Hello friends, a very warm welcome in Modulation Institute. Modulation Institute में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे RRBJEE. आप लोगों ने जो फर्स्ट एग्ज़ाम दिया है, फर्स्ट पेपर हो चुका है RRBJEE का. इफ़ यू आर राइटिंग दैट एग्ज़ाम तो आप लोगों को पता होगा, यू हैव रिटन द फर्स्ट RRBJEE का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है और उसका जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, हम कह सकते हैं कि सितंबर में, अगर हम मानते हैं सितंबर में रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, तो उसके बाद आपको, अगर आप क्वालिफाई करते हैं स्टेज फर्स्ट, तो यू हैव टू अपीयर इन स्टेज टू. और स्टेज टू में अगर हम बात करें, आपको एप्टीट्यूड भी देना है और आपको टेक्निकल सब्जेक्ट भी आपको देना है. और टेक्निकल सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का आपको आएगा. और अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस डिफाइंड है, RRBJEE ने आप लोगों को सिलेबस दिया हुआ है. उसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ना है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट में. और भी सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, कम्युनिकेशन है, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है. तो आज हम एक ऐसे ही बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे फ्रेंड्स, जो ना कि सिर्फ इस पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ओवरऑल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए और एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है. और कंप्यूटर साइंस में भी, क्योंकि RRBJEE में ये सब्जेक्ट आने वाला है, तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट इट्स ए वेरी सिंपल सब्जेक्ट. जो मैं मेन बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं RRBJEE की, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने पे और इसके जो क्वेश्चन करने हैं वो थोड़ा ईजी होंगे इन कंपेयर विद अदर सब्जेक्ट. सो ये एक बहुत बड़ा आपको पैकेज है ये सब्जेक्ट, अगर आप इसको अच्छे से कमांड कर लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं इस सब्जेक्ट की, कि जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको समझना और इसको समझना थोड़ा सा आसान है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स. और मैं टॉपिक मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, इसका पूरा सिलेबस मैंने लिखा हुआ है. हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, फर्स्ट टॉपिक से लगा के पांच, इसमें मोटा मोटा जो सिलेबस दिया है मैंने इसको पाँच भागों में डिवाइड किया है, पाँच पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर है. और हम टॉपिक बाय टॉपिक इसको लेके चलेंगे पूरे सिलेबस को, और मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आएगा और आप इसमें क्वेश्चन बना सकेंगे. हर टॉपिक के बाद, हर एक चैप्टर के बाद मैं आपको कुछ कम्पिटिटिव क्वेश्चन दूंगा रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंड दिस सिलेबस. आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा एंड एग्जाम में आई होप यू विल गेट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन टू. सो लेट अस स्टार्ट विद द सिलेबस ऑफ डेटा एंड नेटवर्किंग कम्युनिकेशन. हम सिलेबस से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. तो इसमें जो पहला चैप्टर है डेट इज़ इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन. इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन उन्होंने लिखा है RRBJEE के सिलेबस में. इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, किस चीज़ों से मिल के बना होता है, और क्या क्या इसमें फीचर्स होते हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, और क्या क्या इसमें पैरामीटर्स हैं जो हमें डेटा कम्युनिकेशन में ध्यान रखना है. अगर हम बात करें एक नॉर्मल कम्युनिकेशन की और एक डेटा कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है फ्रेंड, बिकॉज इन नॉर्मल कम्युनिकेशन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वॉइस, वीडियो इन ए जनरल फॉर्म. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा कम्युनिकेशन, तो हम डेटा सेंड कर रहे हैं आपके कम्युनिकेशन में. कम्युनिकेशन जो हमारे टूल्स हैं, वायर्ड मीडिया है और टेलीकॉम का जो हमारा मीडिया है, तो डेटा कम्युनिकेशन में वी आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट डेटा, कम्युनिकेशन ऑफ डेटा. इन नॉर्मल कम्युनिकेशन वी आर इन, ऑफ कोर्स डेटा कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बट हियर इन डेटा कम्युनिकेशन वी आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट डेटा. That means we have to represent each and every medium or each and everything into data. Like video, voice and data, we have to convert it into bits and then we will send it. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन में आप लोग पढ़ेंगे
क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इसके नेटवर्क कंपोनेंट हैं, और इसमें डेफिनेशन क्या होती है डाटा कम्युनिकेशन की, और क्या क्या इसके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, और क्या क्या टोपोलॉजी क्या होती है. दीज आर द बेसिक थिंग जो हम इसमें पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज हार्डवेयर एंड इंटरफेस. तो फ्रेंड्स, डाटा कम्युनिकेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर. ठीक है, हम यहाँ पे कुछ हार्डवेयर यूज करते हैं, लाइक राउटर यूज करते हैं, स्विचेज यूज करते हैं, हब यूज करते हैं, ब्रिज यूज करते हैं, और इंटरफेस होता है, इथरनेट इंटरफेस होता है, ऑप्टिकल इंटरफेस होता है. तो वी विल स्टडी व्हाट डज इट मीन बाय इथरनेट इंटरफेस, व्हाट डज इट मीन बाय ऑप्टिकल इंटरफेस, डिफरेंस क्या होता है. जब इथरनेट होता है तो डाटा किस फॉर्म में जाता है, जब ऑप्टिकल होता है तो डाटा किस फॉर्म में जाता है. वी विल सी, ऑफ कोर्स वी विल सी दैट ऑल्सो. और जो क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन किस तरह के आएंगे फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चंस आपके इंटरफेस के ऊपर आ सकते हैं, और नेटवर्क टोपोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. लेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं लेयर के बारे में बताना भूल गया आपको. लेयर्स जो हमारी OSI मॉडल की लेयर्स हैं, और जो हमारी TCP/IP लेयर्स की मॉडल की जो लेयर्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई कैन बेट ऑन दैट You will get a question or two questions from that layer only, and other thing we will also discuss. उसके बाद third आता है आपका introduction to network and networking device. So here we will discuss what does it mean by network and what does it mean by network devices. तो जैसे मैंने आपको बताया, hub, router, switches, all are the network devices which we use in data communication. Data communication में हम ये सब use करते हैं. और उसके बाद हम बात करेंगे लोकल एरिया एंड वाइड एरिया नेटवर्क की. तो फ्रेंड्स, आप लोग फैमिलियर हैं लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है. बेसिकली आजकल घरों में जो हम वायरलेस कम्युनिकेशन यूज करते हैं, वायरलेस मोडम हमारे लगे हुए हैं, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर लैन. एंड व्हेन इट कम्स टू ए वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क. और वाइड एरिया नेटवर्क जो हमारा, जैसे कोई टेलीकॉम कंपनी है उसका जो अपना नेटवर्क है, दैट कम्स अंडर वैन. बेसिकली जो नेटवर्क आपके एंटायर कंट्री या दो तीन सिटी में फैला हो, या फिर अक्रॉस ए ग्लोब हो, दैट इज़ कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क. तो दिस इज़ जैसे फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट हो जाती है. कई सारे आप एग्ज़ाम अगर दे चुके हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आपको पता होगा कि लैन की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, वैन की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, और इनके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं. बेसिकली अगर मैं बात करूं लैन की, तो लैन कुड बी टू टाइप. वन इज वायर्ड एंड सेकंड इज वायरलेस. ओके, वायर्ड का अपना एक स्टैंडर्ड होता है फ्रेंड्स, डेट इज कॉल्ड IEEE 802.3 और 802.5. वायरलेस इज योर IEEE 802.11 एंड इट कुड बी IEEE 802.11 A, B एंड सो ऑन. सो लैन आप जो आप अपने घरों में यूज कर रहे हैं, जो वायरलेस लैन है, जो वाईफाई आप यूज कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर दिस IEEE 802.11. और जो आप अपने ऑफिस में, अगर आप ऑफिस में कार्यरत हैं और कहीं पे काम कर रहे हैं, जो वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक स्विचेस से आपके यहाँ पे एक इथरनेट केबल के थ्रू आप यूज कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड वायर्ड नेटवर्क. और इसको 802.3 भी बोलते हैं, 802.5. अगर हम टोकन यूज कर रहे हैं, टोकन बस, तो दैट इज़ कॉल्ड 802.5. और यहाँ पे दिस इज़ कॉल्ड इथरनेट, जो नॉर्मली आप लोग यूज करते हो. सो ये अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट इज़ इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेट वर्किंग की. इंटरनेट वर्किंग इज़ नथिंग, इट इज़ योर इंटरनेट अगेन. और इंटरनेट की अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूँ, तो आप कह सकते हो कि इंटरनेट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, और इट इज़ द बिगेस्ट वैन एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. दिस इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट. वी आर हैविंग ए बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ग्लोब, दैट इज़ नोन योर इंटरनेट. ओके, सो ये आपका सिलेबस है. और अगर मैं मार्क्स की बात करूँ फ्रेंड्स,
जैसे कि आप लोगों को पता है देर आर 10 सब्जेक्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स देर आर 10 सब्जेक्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स सो यू कैन से दैट इट वुड हैव 7 to 10% weightage. But the important thing is that it's very simple, very interesting, and must know subject for a electronics and computer science student. That's why I would focus it in very particular, because when you will be able to apply the concept in this subject, that means you are truly a electronics and communication engineer, and the questions would come from that segment, that would be also easy in nature. So again, that's why it is a very important subject. And if you are able to get 7 to 10% weightage from that subject, it is easy for you to crack the exam. So here we will start from our first topic, that is introduction to data communication. Friends, let us start with the introduction to data communication. तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन की, तो आपको अच्छी तरह पता है What does it mean by communication? Communication is nothing but the exchange of information. ठीक है, ये definition आपने पढ़ी थी when you were studied about what does it mean by communication, or you were studying communication engineering. You know that the information transfer from sender to receiver is known as communication. But here we are having one extra term that is called data. In that case, the transfer of data from sender to receiver is called data communication. So from here the definition is very clear. The transfer of data from sender to receiver is called data communication, and the main component of this sender and channel and receiver. ठीक है, तो अब यहां पे एक समझने वाली बात फ्रेंड्स क्या है, इन नॉर्मल कम्युनिकेशन इवन आई कुड जनरेट सम इंफॉर्मेशन, बट इन डेटा कम्युनिकेशन व्हाट हैपन, नॉर्मली data comes from something like computer, your mobile or other device. तो ये समझने वाली बात है कि in data communication sender could be your computer, your mobile and other device, but in normal communication we can also say that a human being is also a sender. So this is the basic difference between data communication and normal communication. So you have to be very careful about this, and you should understand. मैं आपको समझा रहा हूँ, बाद में जब हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा होता है इसको जनरली लोग अवॉइड करते हैं, और बीटेक या अगर आप लोगों ने डिप्लोमा लेवल पे पढ़ाई की हुई है तो इतना हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं. ठीक है, सो नाउ so this is the definition. So this is your sender could be your computer, your mobile or your other device like PDAs. ठीक है, now channel is same for your नॉर्मल कम्युनिकेशन और डेटा कम्युनिकेशन. मैं आपको डेटा कम्युनिकेशन के साथ नॉर्मल कम्युनिकेशन इसलिए ऐड कर रहा हूँ बिकॉज सम ऑफ हाउ यू हैव स्टडीड अबाउट कम्युनिकेशन, सो यू कैन रिलेट दीज थिंग्स फ्रॉम दैट. यू कैन रिलेट
communication engineering to data communication engineering, and it would help you because communication engineering is the basic foundation of that course. That's why मैं हर चीज को related कर रहा हूँ. Channel आपका क्या हो सकता है? Channel could be wired and wireless. Again, wired channel could be copper, coaxial, OFC. OFC is optical fiber communication. Sorry, optical fiber cable. So these are the three famous medium which comes under wired. Wireless is your again air interface, air, or you can say more precisely, it is radio wave, it is, यहाँ पे लिख देते हैं, radio wave, it is microwave, then it is infrared, then it is again light wave. So we have divided air into three parts basically, radio, micro and infrared. तो ये frequency और wavelength के हिसाब से हमने अपना जो हमारा एक interface है air जो है हमारी, उसको तीन part में divide कर लिया है friends. That is air को radio interface, sorry, radio, infrared and microwave. ठीक है, ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको जब हम बात करेंगे channels की deep में. तो दीज आर द वेरी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, ये आपको पता होना चाहिए. और रिसीवर क्या है फ्रेंड्स? रिसीवर अगेन इज योर, रिसीवर अगेन इज योर कंप्यूटर, मोबाइल एंड पीडीएस. सो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. अगर मैं इसको फिगर के फॉर्म में बनाता हूँ तो आई कैन ड्रॉ, आप लोग ड्रा कर सकते हैं इसको, यू कैन ड्रॉ इट, क्योंकि आपके नोट्स भी बनते जाएंगे साथ साथ, जो मैं लिखवा रहा हूँ आप ये लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ, सो डैट जहाँ जहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट मार्क करना है, और जब पेपर आएगा यू विल फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस. ठीक है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको टिक होगा, आप करेंगे उन क्वेश्चंस को. दिस इज, लेट अस से this is our sender, this is our channel, we are having messages, this is sender, this is receiver. ठीक है, अगर बुक की बात करें तो हालांकि इसमें जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आउट ऑफ इंटरेस्ट और आउट ऑफ क्यूरोसिटी यू वॉन्ट टू रेफर सम बुक, यहाँ पे डाटा कम्युनिकेशन की दो बड़ी फेमस बुक हैं, वन इज फ्रोजन एंड सेकेंड इज टेनेनबॉम. टेनेनबॉम एंड फ्रोजन दोनों बुक आप रेफर कर सकते हैं, दोनों बुक बहुत अच्छी बुक्स हैं और वहाँ से आपको चीज़ें अंडरस्टैंड भी होगी. बट क्योंकि टाइम आपके पास उतना नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यू विल गेट टू और थ्री मंथ्स ओनली फॉर अपीयर इन दिस एग्ज़ाम, एंड यू आर हैविंग लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स टू रेडी. बट इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन इट आफ्टर द एग्ज़ाम, और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्ज़ाम और फॉर इंटरव्यू ऑल्सो, बिकॉज वैन यू अपेयर इन इंटरव्यू इट इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट टू प्रिपेयर, तो आप उन दोनों बुक्स को रेफर कर सकते हैं. तो नाउ दिस इज योर सेंडर, ए कंप्यूटर, दिस इज योर मैसेज जा रहा है चैनल से, दिस इज योर रिसीवर. चैनल कुड बी जो मैंने आपको बताया, दैट इज वायर्ड एंड वायरलेस. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक system of data communication. Now let us say
एक चीज इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, डेटा रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि जो डाटा रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली, क्योंकि हम डाटा कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो डाटा की ही बात करेंगे और जो हमारा कम्युनिकेशन होगा वो डाटा की ही फॉर्म में जाएगा। तो अब क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेज है, वो जरूरी नहीं है कि वो डाटा की ही फॉर्म में हो, डेट कुड बी इन एनी फॉर्म। और इनफैक्ट अगर मैं बोल रहा हूँ या इफ़ आई एम डूइंग टेक्स्ट टू यू एंड इफ आई एम सेंडिंग ऑडियो टू यू, इफ आई एम सेंडिंग वीडियो टू यू, देन दीज आर नॉट द डाटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस क्वान्टिटी और दीज मैसेजेस इन टू डाटा। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें, डाटा कुड बी योर टेक्स्ट जो आप मैसेज मोबाइल में लिखते हैं, डेट कुड बी नंबर्स, डेट कुड बी ऑडियो एंड डेट कुड बी वीडियो। ठीक है, इन चार तरीके से हम डेटा को सेंड कर सकते हैं डेटा कम्युनिकेशन के अंदर। तो अगर ये टेक्स्ट है, इफ़ इट इज़ अ टेक्स्ट, इफ़ इट इज़ इन टेक्स्ट फॉर्म, तो आपको पता है जो डेटा है, डेटा इज व्हाट, डेटा इज योर बाइनरी फॉर्म है, 1010010। ओके, दिस इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, डेटा इज समथिंग विच वी आर कन्वर्टिंग इनटू बाइनरी फॉर्म। और डेटा वैसे तो कुछ भी हो सकता है, बट इन टर्म्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन वी कैन से दैट दिस इज ओवर डेटा। डेटा कम्युनिकेशन के टर्म में डेटा को आप एक जनरलाइज फॉर्म में देखें तो डेटा मतलब इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर डेटा के हम डेफिनेशन की बात करें। बट व्हेन इट कम्स टू डेटा कम्युनिकेशन इन पर्टिकुलर वी आर स्टडिंग, सो वी कैन से दैट टेक्स्ट है, नंबर, ऑडियो है एंड वीडियो है। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी डू इन डेटा कम्युनिकेशन फॉर सेंडिंग दिस थिंग्स टू अदर एंड, वी कन्वर्ट इट इनटू ओवर नंबर सिस्टम। तो टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर में यूज करते हैं एस्की कोड। यू हैव स्टडीड अबाउट इट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एस्की कोड। एंड इट इंफॉर्मेशन और इट्स फुल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट कई एग्जाम्स में, कंप्यूटर के एग्जाम्स में अगर आप लोग बैठे होंगे, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप इसका कहीं पे लिख लीजिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दिस इज़ द फुल फॉर्म। तो ASCII कोड का हम यूज करते हैं टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू नंबर। मतलब अगर ABCD है आपका, इसको चेंज करने के लिए हम 1010 में बोलूं तो वी विल यूज ASCII कोड, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगेन ऑडियो, सॉरी नंबर्स, नंबर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 1010। और अगर ये किसी और फॉर्म में, लाइक इट इज़ इन डेसिमल, इट इज़ इन ऑक्टल और इट इज़ इन हेक्सागोनल, वी आर हैविंग बाइनरी टू अदर नंबर सिस्टम कन्वर्जन। एंड यू हैव स्टडीड दिस सिस्टम्स इन टू योर डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कम्युनिकेशन, ओ सॉरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वो सब यहाँ पे हम यूज करते हैं कन्वर्जन के लिए। अगेन ऑडियो जो है, ऑडियो इज ए पार्ट ऑफ, ऑडियो क्या है, ऑडियो जो हम बोलते हैं उसके रिकॉर्डेड वर्जन है या लाइव वर्जन है, जो हमारी आवाज़ है वो दैट इज़ रिलेटेड टू ऑडियो। तो उसको हम कैसे तोड़ते हैं, उसको हम तोड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ, सबसे पहले हम इसको एक स्पीच सिग्नल बनाते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं ऑडियो को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। सबसे पहले वी कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय यूजिंग माइक्रोफोन, माइक्रोफोन और अदर ट्रांसड्यूसर। बिकॉज एज यू नो, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट ए नॉन इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी इन टू इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी और वाइस वर्सा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ऑडियो को पहले इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं और उसके बाद हम बाई यूजिंग PCM, पल्स कोड मॉडुलेशन, हम उसको
कन्वर्ट करते हैं 10 10 0 में, ठीक है। ये पीसीएम हम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। 10 10 0 तो वी गोट। वीडियो की बात करें तो वीडियो में जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है डेट इज़ कॉल्ड पिक्सल्स। वीडियो को हम पिक्सल्स में तोड़ते हैं। पिक्सल्स क्या है, आप जब टीवी देखते होंगे आपको कई बार क्या होता है कि चैनल ख़राब होने से छोटे 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 पॉइंट्स होते हैं, उसको पिक्सल्स बोलते हैं। और जो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं क्लियरिटी पिक्चर में उतना ही होता है, नो डाउट बैंडविड्थ उसके लिए ज़्यादा चाहिए होती है, बट जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उसका रिजोल्यूशन इतना ही होगा। जैसे बोलते हैं ना कैमरे का रिजोल्यूशन 5 मेगापिक्सल्स है, 5 मेगापिक्सल्स के बाद 10 मेगापिक्सल्स है। तो 10 मेगापिक्सल्स मतलब इट इज़ डिफाइनिंग योर रिजोल्यूशन ऑफ मोबाइल, ठीक है। 10 मेगापिक्सल्स है, जितना ज़्यादा मेगापिक्सल्स होगा उतना हाई एंड आपका कंप्यूटर होगा, उतना हाई एंड आपकी डिवाइसेस मोबाइल डिवाइसेस होगी, ठीक है। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ डाटा वी आर गोइंग टू यूज़ इन डाटा कम्युनिकेशन। वो टेक्स्ट है, नंबर है, ऑडियो है, वीडियो है। इसको कैसे हम नंबर्स में चेंज करते हैं ये मैंने आपको बताया। टेक्स्ट को ASCII कोड में, नंबर को नंबर कन्वर्जन मेथड, ऑडियो को इलेक्ट्रिकल सिग्नल देन PCM, वीडियो को इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स, ठीक है। तो पिक्सल्स के बाद वी आर हैविंग मेथड टू कन्वर्ट इट 10 10 10. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट ऑल दिस डाटा इनटू ए नंबर सिस्टम, तभी हमें एक डाटा मिलेगा। और हमें वो जो डाटा है वो एक इंफॉर्मेटिव डाटा होना चाहिए, उसमें कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, जिटर नहीं होना चाहिए। एक टर्म आता है फ्रेंड्स जिटर, ये मैं बाद में लिखाऊंगा। इट डिपेंड्स अपॉन डिले इन डाटा, डिले इन डाटा। अगर आपका जो डिले है डाटा का डिले इन डाटा वो अनपैरेलल्ड है, मीन्स पहला डाटा आया 3 माइक्रोसेकंड में, दूसरा डाटा आया 5 माइक्रोसेकंड में, फर्स्ट डाटा आया आपका 3 माइक्रोसेकंड, सेकंड डाटा इज 5 माइक्रोसेकंड। सो इसका मतलब क्या, जिटर बहुत ज़्यादा है, जो कि एक अनवांटेड फिनोमिना है। जिटर इज अनवांटेड फिनोमिना, तो ये आपको याद रखना है जिटर के लिए। सो दिस इज सम डाटा रिप्रेजेंटेशन। यहाँ से आपको कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा सा जस्ट आपका इंसाइट बढ़ाने के लिए मैंने बताया कि डाटा बेसिकली होता क्या है। और डाटा के कम्युनिकेशन के लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, टू कन्वर्ट ऑल काइंड ऑफ डाटा इनटू, टू कन्वर्ट फर्स्ट स्टेप इज All kind of messages into data form, ठीक है। तो डाटा कम्युनिकेशन में जो पहली चीज है वो आप क्या करेंगे, यू विल कन्वर्ट ऑल काइंड ऑफ डाटा इंटू डाटा इंटू नंबर्स फॉर्म, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू कन्वर्ट। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं डाटा फ्लो। सेकेंड थिंग इज दैट डाटा फ्लो कैसे हो रहा है, डाटा कैसे फ्लो होता है। तो यहां पे 3 मेथड है डाटा फ्लो करने के। पहला फ्लो करते हैं, फर्स्ट इज सिंप्लेक्स, सेकेंड इज हाफ डुप्लेक्स, एंड थर्ड वन इज फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मतलब दीज आर द मेथड्स जो हम डाटा भेज रहे हैं और जो रिसीव कर रहे हैं। इट आर दीज आर द मेथड्स बाय विच वी आर सेंडिंग द डाटा एंड रिसीविंग द डाटा, ठीक है। दीज आर द मेथड्स। तो सिंप्लेक्स में आप क्या करोगे, सिंप्लेक्स में नॉर्मली
when this is your sender, and this is your receiver. If data is only one way, if data is only one way, if data is only one way, then it is called simplex. मतलब आप डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन में भेज सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स. और इसमें क्या होता है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल योवर कीबोर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, और आपका जो डेस्कटॉप है दैट इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स. इन सिंप्लेक्स व्हाट यू डू, आप सिर्फ एक डाटा भेज सकते हो, वन वे कम्युनिकेशन है. जैसे आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप सिर्फ इनपुट भेज सकते हो, वहाँ से कुछ आउटपुट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है. या आपका मॉनिटर है, उसमें सिर्फ आउटपुट आप देख सकते हो, ठीक है. सो दीज आर द सिंप्लेक्स. नाउ हाफ डुप्लेक्स, व्हाट डू यू मीन बाय हाफ डुप्लेक्स, दिस इज योर रिसीवर. हियर यू कैन send or receive a data, but the time would be different. Means for time one you can send it and for time two you can receive it. So by using that, what is the benefit of that? You can save the bandwidth. You can use all the channel bandwidth by either by sender or by receiver. So this is the primary benefit of simplex method. हाफ डुप्लेक्स. और हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं, वी यूज इन वॉकी टोकी. आपने देखा होगा, आप वॉकी टोकी में पहले बोलते हैं, फिर ओवर करते हैं, देन अगेन दूसरा बंदा बोलता है. सो दिस हाफ डुप्लेक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है, ये आपको याद रखना है. देन इट कम्स टू फुल डुप्लेक्स. फुल डुप्लेक्स में मतलब दोनों चैनल ऑन है आपका, रिसीवर एंड भी सेंडर एंड भी आर इंडिपेंडेंट. दे कैन सेंड एनी इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम. वो रिसीवर एंड सेंडर, दिस इज योर रिसीवर, दे आर फ्री टू सेंड एनी डाटा एट एनी टाइम. एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, योर मोबाइल फोन, योर वायर्ड फोन, योर टेलीफोन, दीज आर द एग्जाम्पल. कभी भी आप फोन करिए, आप रिसीव करिए, नो बडी इज गोइंग टू बोदर. सो दीज आर द थ्री फॉर्म, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, बाई विच वी कैन सेंड ओवर डाटा, ठीक है, जिसके द्वारा हम डाटा को भेज सकते हैं. वी आर हैविंग थ्री मेथड्स. थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप एग्जाम में रिवाइज करने की सिर्फ जरूरत है, भूल नहीं पाएंगे, ठीक है. डाटा फ्लो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. और इफ यू आर हैविंग एनी डाउट और इफ यू हैविंग एनी क्वेरी, यू कैन write down in comment box. And this is a demo lecture from Modulation Institute. If you want full lectures or full course module, we are having these modules in pen drive, as well as we are having lot of methods to reach you guys. So नीचे दिए हुए numbers पे आप phone करके ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं related to our course, what we are having for you for this RRB JEE exam, because it is a very prestigious exam, and I must say you should prepare it without in wasting any time. So अपने comment box में मुझे बताएं कि आपको कोई confusion हो या कुछ भी हो. और thank you for watching. Thanks again.